गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास सिक्स का जीके बुक का चैप्टर सेवन नेशनल पोर्ट्स अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखो क्या है ये, वन में है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एक ठो हाइस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, जो इसको किस फील्ड में देते हैं, इसको क्रिकेट में भी देते हैं। और ये क्या है, हाइस्ट गैलेंट्री अवार्ड, सबसे जितने भी पोर्ट्स और गेम्स अवार्ड है सबसे ये हाइस्ट है। उसके बाद टू में क्या है, द्रोणाचार्य अवार्ड। ये द्रोणाचार्य अवार्ड के क्या है, जो कोच होते हैं, जो पोर्ट्स में जो कोच होते हैं, जो खिलाड़ी का गुरु होता है, कोच जो होता है, उसको द्रोणाचार्य अवार्ड देते हैं। ये भी डिफरेंट फील्ड में देते हैं, क्रिकेट में देते हैं और फुटबॉल में भी देते हैं। इसीलिए क्रिकेट में ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, अपने जो कोचेस होते हैं, कोच लोग को ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद थ्री में क्या है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ये एथलेटेट जो पोस्ट पोर्सन होते हैं एथलेटेट में, ये राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद नंबर फोर में क्या है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये है मौलाना अब्दुल कलाम के नाम पर, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उसके नाम पे ये अवार्ड बना है। ये भी एक तो पोर्स अवार्ड है और गेम में ये दिया जाता है, जो यूनिवर्सिटी में जो टॉप परफॉर्मेंस दिखाता है उसको ये मौलाना अब्दुल कलाम अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद नंबर फाइव में आ जाता है अर्जुन अवार्ड। जो अर्जुन अवार्ड होता है ये मेनली क्रिकेट फील्ड में दिया जाता है, जो खिलाड़ी होता है उसको अर्जुन अवार्ड देते हैं। उसके बाद ये नंबर सिक्स पर ध्यानचंद अवार्ड आ गया। ध्यानचंद अवार्ड क्या है, जो ध्यानचंद अवार्ड किसके नाम पे हुआ है, ध्यानचंद के नाम के हुआ है, जो हमारे इंडिया के एक तो हॉकी खिलाड़ी था, वो इंडिया को 5 टाइम मेडल जिताया था। वो उसके नाम से, ध्यानचंद के नाम से ही ये अवार्ड बना है, ध्यानचंद अवार्ड। ये जो हॉकी में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है उसको, अच्छे अच्छे खिलाड़ी को ये ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये है टेंजिंग नॉर्गे के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। ये एक तो माउंटेनर था, जो पर्वतारोही कहते हैं, जो माउंटेन को ऊपर जाते हैं उसको ये सब, ये टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड देता है, जो एडवेंचर में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है उसको, एडवेंचर में जो क्या माउंटेन के ऊपर जाते हैं वो लोग को ये टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद आ गया क्या, आईफा प्लेयर ऑफ द ईयर। ये आईफा प्लेयर ऑफ द ईयर जो दिया जाता है ये फुटबॉल में दिया जाता है, जो फुटबॉल में ये जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है, एक साल में जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसको AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर दिया जाता है। जो एक साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है उसको ये आईफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया जाता है। तो अभी समझ गए, तो सबसे हाइस्ट गैलेंट्री अवार्ड क्या है, ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है।